तो कैसे हैं आप लोग आइए सर, कुछ इस टाइप की लेटर विथ पोर्ट्रेट एडिटिंग देखते हैं जो देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। और हाँ, आप इसे चाहते हैं तो लोगों की तरफ भी यूज कर सकते हैं, जैसे आपका यूट्यूब चैनल है वहाँ पे इसे लोगों के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपना पहला लेटर रहने दीजिए, वहाँ पे एक सर्किल दे दीजिए, देखने में देखिए कितना कूल लग रहा है इसमें। और अगर एडिटिंग चाहते हैं साइड से लेटर भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ इस टाइप की एडिटिंग देखने वाले हैं, तो प्लीज जो नए मेहमान हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर से देखिएगा, ठीक है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे हमेशा की तरह पिक्सार्ट में, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई बैकग्राउंड नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पिक्सार्ट से व्हाइट बैकग्राउंड हम लोग यहाँ से पिक कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसे व्हाइट बैकग्राउंड पे हम लोग को वर्क करना है। यहाँ पे क्रॉप पे चलते हैं, ऐसे इसका साइज को बड़ा कर लेते हैं, क्रॉप कर देते हैं, जिससे पूरी स्क्रीन हो जाएगा तो देखने में आपको व्यू सही मिलेगा, ठीक है। आपको जो साइज रखना वो रख सकते हैं, ठीक है, सिंपली ये रख लेते हैं हम। अब हम लोग चाहेंगे सबसे पहले राइटिंग करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पर अपने लेटर नेम का पहला लेटर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हो गया, यहाँ पे देखिए व्हाइट इसलिए दिख नहीं रहा है, कलर पे आ जाएंगे, यहाँ से आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिंपली इसको साइज को बड़ा कर लेते हैं। अब हम लोग चले आएंगे नीचे, यहाँ से आपको शैडो दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। शैडो का एंगल हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, चलिए इसको हल्का सा यहाँ से इसकी अपोसिटी, यहाँ पोजिशन को आपको इसको नीचे रख लेना है हल्का सा, इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं, जैसा जैसा आपको शैडो का पोजिशन सही लगे वैसे आप रख सकते हैं। उसके बाद आपको स्ट्रोक जो दिख रहा है उस पर आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको ब्लैक स्ट्रोक है, इसको व्हाइट कर लेना है सिलेक्ट, आपको उसको जैसा कलर आपको रखना वैसा, ये बहुत सारा कलर मिल जाता है, यहाँ पर व्हाइट रख रहा हूँ फिलहाल के लिए। चलिए दोनों आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट पे, फॉन्ट पे, ठीक है। अब ऊपर क्लिक करते हैं हम लोग, यहाँ पे माई फॉन्ट पे आ जाते हैं, यहाँ से हम लोग ये मालवी फॉन्ट है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्लिक करके इसको हमको डुप्लीकेट कर लेते हैं, उसके बाद इसको इरेज करके अपने जो नेक्स्ट लेटर होगा आपका नेम का बचा हुआ, उसको स्मॉल लेटर में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग छोटा करके नीचे कर लेते हैं, ऊपर का एरिया हम लोग इसको रहने देंगे, क्योंकि वहाँ हम लोग को अगर पिक्चर ऐड करना है, ठीक है, इसको हम लोग नीचे एडजस्ट कर लेते हैं। सिंपली हो चुका है, इसको अब हम लोग सेव कर लेते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद अब हम लोग इसको आते हैं ड्रॉ टूल में, ड्रॉ टूल में आके इसको हम लोग गैलरी में सेव कर लेते हैं, ठीक है। ड्रॉ टूल पर आ जाते हैं, यहाँ थ्री डॉट पर क्लिक करते हैं, यहाँ से इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। चलिए चलिए हो गया। अब हम लोग चलेंगे यहाँ से बैकग्राउंड इरेजर ऐप में, ठीक है। यहाँ बैकग्राउंड इरेजर ऐप ऑन करते हैं, यहाँ पे अपने पिक्चर को आपको ऐड कर लेना है जो आप बनाया है अभी, ठीक है। उसको यहाँ ऑटो पे आ जाएंगे नीचे में, ठीक है। चलिए ऑटो पे आ जाते हैं, उसके बाद जितना ब्लैक कलर है उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, वो ऑटोमेटिक जितना ब्लैक होगा उसको रिमूव करता जाएगा। चलिए हो चुका है, अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। चलिए अब हम चलेंगे फिर से पिक्सार्ट में, इस पिक्चर को ऐड करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है इस टाइप का पोर्ट्रेट पिक्चर बनाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग पिक्सार्ट में आ जाते हैं, हम वो लेयर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। लेयर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर जितने लेयर होगा मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। यहाँ पर आपको कलर पे क्लिक करना है, ठीक है। कलर पे क्लिक कर यहाँ से व्हाइट कलर आपको सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले आपको व्हाइट कलर पूरा बैकग्राउंड हो गया, ये नीचे वाला कोई जरूरत नहीं है। तो फिर से यहाँ से इम्पैटी एक लेयर लेंगे, ठीक है। यहाँ से अपने पिक्चर को हम लोग जब इरेज किए थे उसको ऐड करेंगे, ठीक है, जो पीएनजी जो था हम लोग का। चलिए उसके बाद इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मात्र आपको तीन लेयर से चार लेयर की जरूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सेम उसी तरह इसको नीचे एरिया में रखेंगे जिससे हम लोग का पिक्चर ऊपर में आए, ठीक है। ऊपर का एरिया थोड़ा ज़्यादा रहने देंगे। चलिए हो चुका है, फिर से हम लोग एक और इम्पैटी लेयर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर अपने पिक्चर को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं फिर से ऐड फोटो पे, यहाँ पे फोटो पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका पिक्चर होगा उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए ओके कर लेते हैं, यहाँ पे आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा। चलिए इसको आपको अपेसिटी कम कर देना है ऊपर वाले का, अपने पिक्चर का यहाँ पर शो नहीं कर रहा, टच करेंगे शो हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर आपको हल्का सा टाइम लगेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आपका जो नेम होगा वो लेटर, आपको पिक्चर को हल्का सा वहाँ पर टाइम दीजिएगा, 10 मिनट 15 मिनट, तो एक परफेक्ट पोजिशन मिल जाएगा जैसे। चलिए यहाँ पर हो चुका है, अब हम लोग क्या करें इसका ओपेसिटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे भी लगा था, आप देखे होंगे मैं बहुत पहले पिक्चर को बना लिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको फुल कर देते हैं और उसको अब नीचे लेके आ जाएंगे, जो जो है फोटो वाला लेयर, सिंपली इसको हम लोग नीचे ले आएंगे। सबसे ऊपर मेरा वो राइटिंग वाला पीएनजी रहेगा, ठीक है। इसके बीच में हम लोग का पिक्चर रहेगा और उसके बाद यहाँ व्हाइट वाला पीएनजी रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ से इसको ओपेसिटी को कम कर देते हैं। यहाँ पे इरेज पे आने के बाद आपको जितना शो करना है उसको आप लोगों को यहाँ से रिमूव कर देना है, जितना आपको लेटर के ऊपर शो करना है उसको हम लोग इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग का ये बॉडी हो गया, हेड हो गया, प्लस हैंड कुछ इसको शो कर देते हैं, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा रिमूव हो जा रहा है, तो आपको इसको रिमूव करने के लिए इसको रीस्टोर नहीं कर सकते हैं आप, इसीलिए आपको बैक स्टेप जाना पड़ेगा। जैसे मैं बैक स्टेप करते हैं इसको, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको इसको सही एडजस्ट करने के लिए। अगर ज़्यादा बैक ज़्यादा आगे निकल जाएगा तो वो फिर रिकवर नहीं हो पाएगा, इसलिए जहाँ पर गलत होगा वहीं पर बैक स्टेप कर लेंगे। सिंपली हो चुका है, अब हम उसे थोड़ा सा और स्टेप कर लेते हैं बैक, क्योंकि सही नहीं लगा। ऐसे ऑपेसिटी इसकी हार्डनेस कम कर लेंगे एज पे, जहाँ पे अगर सही से नहीं हो पा रहा होता, जैसे हम ऑपेसिटी हार्डनेस कम कर लेते हैं, ये वाला ब्रश हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीका, अगर आप उस तरीके से बनाइएगा पिक्चर को ऐड करके बिना रिमूव किए, तो आपको पूरे लेटर के साथ ये करना पड़ेगा। ये PNG रिमूव करने के बाद बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है, ठीक है। और भी अगर वीडियो देखे होंगे आप इस टाइप का, उसमें देखिएगा कितना प्रोसेस लगता है बनाने में। सिंपली हम लोग इसके यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए सिंपली हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर वाला वो ओपेसिटी कम किए थे इसको हम लोग शो कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो एक्स्ट्रा पार्ट जो दिख रहा है अभी, वो ट्रांसपेरेंट हल्का जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपको वही रिमूव करना है जो आपको साइड में शो करना है, ठीक है। चलिए सिंपली हो चुका है, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा रह जा रहा है, तो हम लोग फिर से चलेंगे एक और इम्पैटी लेयर लेते हैं, यहाँ से हम लोग पिक्चर को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद आपका जो शर्ट का जो कलर होगा, जो जहाँ पे एरिया होगा उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सिंपली इसको हम लोग बीच का एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, जो सेम कलर है सेम डिज़ाइन का है। चलिए इसको हम लोग सेलेक्ट करके जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा हम लोग उस पर इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो सिंपली सेम उसी तरह आपको सबसे ऊपर लेटर को रखना है, और उसके बीच में अपने पिक्चर को रखना है, उसके बाद नीचे में वाइट बैकग्राउंड रहेगा, वो नीचे वाला जो उसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इसको हम लोग लेके नीचे आ जाते हैं, कहीं भी पर रख सकते हैं। चलिए यहाँ पे रहने देते हैं, उसको 3 डॉट पे क्लिक करते हैं हम लोग, इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली रह रहा है, ठीक है। चलिए तो सिंपली इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, तो सिंपली हो चुका है। अब हम लोग इसे यहाँ से सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल ही था, यहाँ पर नीचे एक्स्ट्रा जो दिख रहा है उसे आप सेव करके क्रॉप कर सकते हैं। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। जो हमारे नए मेहमान हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।